स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसका पार्ट नंबर 3 को। इससे पहले जो हमने दो पार्ट्स को सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह ही हमने उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस को। तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने हमारे पास जो पार्ट्स दिए हुए हैं, सिर्फ 5 पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास, कि इसमें से आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है। तो हम लोग पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, पार्ट 1 हमें क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। पार्ट 1 हमारे पास क्या है कि हमने स्केलर मैट्रिक्स को पहले था, इसमें स्केलर यूनिट्स मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, तीन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो हम देखें अगर मैट्रिक्स ए को, तो हमारे पास ये क्या है कि इसके जो डायगोनल है उसमें सेम वैल्यूज हैं और नॉन डायगोनल जो वैल्यूज हमारे पास वो क्या है, जीरो हैं। तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस है, ठीक है। ए is a scalar matrices, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये scalar matrices है। क्यों, इसकी जो diagonal है इस पर 4 बिल्कुल same values है और जो non-diagonal values है वो क्या है, 0 है। part b को देखें तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जो diagonal पे values है वो same तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो non-diagonal values है वो 0 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिसेस होता है, क्योंकि डायगोनल जो मैट्रिसेस है उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि आपकी डायगोनल पे कोई भी वैल्यू हो लेकिन आपकी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है वो क्या हो, जीरो हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, बी इज अ डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। और सी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डायगोनल पे देखें तो 1 है और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है वो क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, यूनिट मैट्रिसेस होता है। C is a unit matrices, इसका तो आपको काफी पता होगा क्योंकि पीछे दो पार्ट्स में हमने ये देखा था, एक बार पहले भी दो बार। तो उसके बाद हमारे पास जो D है, D में देखें तो हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज है वो क्या है, एक 3 है और यहाँ पे 0 है, मतलब हमारे पास डायगोनल पे क्या है कि नॉन जीरो वैल्यूज आ रही हैं और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है वो क्या है, 0 है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे कि D हमारे पास डायगोनल वैल्यू है, D is a डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ई हमारे पास क्या है, ई को अगर देखें तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 एंड 1 + 1 2। अब इसकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डायगोनल पे क्या है, सेम वैल्यूज है और नॉन डायगोनल क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस कहता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि आपके पास डायगोनल पे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि लास्ट जो दो पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे उनके मुताबिक हमने इनको भी सॉल्व किया। इसी तरह आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। और आपने एक चीज़ हमारे हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने ये जो डायगोनल, स्केलर और यूनिट्स जितनी भी हमारे पास टाइप्स थी, इनकी डेफिनेशन को आपने अपने माइंड में रखनी है, उसके बाद आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है।